एसपी साहब, थाना कोतवाली क्षेत्र में धार्मिक ग्रंथ को धार्मिक स्थल के अंदर जलाने का मामला पूरे सामने आया है, क्या पूरा मामला, किस तरह कार्रवाई अभी मिलाई जाए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज बात करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, देखिएगा। सबसे पहला मैटर, अभी जो एक अपडेट आ रही है ना, वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आ रही है। एसपी साहब, थाना कोतवाली क्षेत्र में धार्मिक ग्रंथ को धार्मिक स्थल के अंदर जलाने का मामला पूरे सामने आया है, क्या पूरा मामला, किस तरह कार्रवाई अभी मिलाई जाए? ये आज शाम को सूचना मिली थी कि बाबूजई जो थाना कोतवाली अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक धार्मिक स्थल में अंदर एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने जले हुए मिले थे। पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया, पूरी संवेदनशीलता के साथ वहाँ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए और लोगों को समझा बुझाया गया। उसके बाद तत्काल उस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी एसओजी की टीम भी लगी है और जो सीसीटीवी फुटेज है उनको फैलाया जा रहा है। के अंतर्गत मस्जिद बकरे आलम मियां, इसमें इमाम साहब हैं हाफिज मोहम्मदीन और इनके एक स्टूडेंट हैं मोहम्मद सुहेल। कल लगभग 2:30 बजे का वाक्य है कि वहाँ पे व्यक्ति अंदर आया था, उस समय मोहम्मद सुहेल ने ये मस्जिद में अंदर कमरे के अंदर ऊपर थे और इमाम साहब मस्जिद ही दुकान के अंदर पास में दुकान में मौजूद थे। उस समय पे एक वाक्य हुआ है जिसमें कुछ पेपर चलाए गए थे अपनी पुस्तिका के, इसमें वही मोहल्ले के मोहम्मद फारूक खान, वो कभी कभी स्वेच्छा से वहाँ सफाई करते हैं, वो वहाँ पे आए, तब ये इंसिडेंट पता लगा। इसके बाद पुलिस की सभी टीमें आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस और जो भी पुलिस के अन्य मेथड्स हैं उसके थ्रू वर्कआउट करने के जुटे, तो वहाँ पे फिर सूचना मिली कि सदर बाजार के अंतर्गत चौकी हदफ है, वहाँ पर पप्पू जनरल स्टोर करके शाहजहांपुर की कल मस्जिद में लगभग 2:30 बजे एक दो बंदे घुसे सीसीटीवी कैमरे में, जैसे कि आप देखेंगे, वो और जाकर वहाँ पर कुरान पाक की कुछ पन्नों को उन्होंने जला दी, आग लगा दी और चुपके से निकल कर आ गए। फिर जब शाम को इमाम साहब गए, उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने लोगों को बुलाया, बताया, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहाँ पर कुछ पोस्टर लगे हुए थे काफ़ी, यानी उन्होंने पोस्टर को आग लगाया, पत्थरबाजी भी बहुत कुछ हुआ। मौके पर पुलिस आ गई, पुलिस ने काफ़ी जो कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी उत्पात मचाने के चक्कर में थे लोग, उसको पुलिस ने शांत कराया। किसी तरह से वो शांत हुए, शांत होकर पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि हम 24 घंटे के अंदर जिसने भी ये काम किया है हम उसको पकड़ लेंगे, पता करा लेंगे, अंदर कर लेंगे। तो आज उनकी रिपोर्ट भी आ गई है, उन्होंने पकड़ लिया है। पकड़कर कोई जो बंदा था वो कोई और नहीं है, उसी कम्युनिटी का है, मुसलमान ही है। उसने ऐसा क्यों किया रीज़न का भी पता नहीं चला है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी रीज़न का पता चल जाएगा, अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया ऐसा क्यों किया है। तो जिसने भी ये किया है, जिस बंदे ने भी, उस बंदे ने उसकी जांच होनी चाहिए, क्या उसने ये मेंटलिटी में जो उसकी कंडीशन थी ठीक थी, दिमागी तौर पर ठीक था, या किस मकसद से किस वजह से किया है उसका पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए। और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए जो किसी कम्युनिटी को लेकर या किसी दो पक्षों में आपस में तनाव, इससे काफ़ी ये एक धार्मिक मामला था, इस पर काफ़ी मैटर बढ़ सकता था, बातचीत लंबी हो सकती थी अगर पुलिस बीच में ना आती और जल्दी ना पकड़ा जाता। तो जो ये भी जिस कंडीशन जिस हालत में भी क्या हो, अगर वो दिमागी रूप से बीमार है तो उसका इलाज कराना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें, उनको कुछ आगे ये चीज़ें सजाए नज़ीर बने, आगे अब आदमी एकदम ये सारे इस तरह के क्राइम ना करें जो उसने किया है। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। एक अपडेट कुशीनगर से आ रही है, कुशीनगर अपने उत्तर प्रदेश का है, एक बार फिर यूपी की गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, स्वास्थ्य विभाग है, उसकी पोल खोल रही है। ये एक वीडियो है, देखिएगा, ये इमरजेंसी सरकारी अस्पताल है, वहाँ का इमरजेंसी वार्ड है। ये बंदा जो फर्श पर पड़ा है, ये खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हुई है, एक्सीडेंट हुआ है और उसके खून को कुत्ता चाट रहा है।
तो आप अभी जो मोरबी में अभी जो घटना हुई है 2-3 दिन पहले, आपने देखा होगा मोरबी में जो ब्रिज गिरा था, वहाँ पर 141 लोग जो मरे थे वहाँ पर। फिर मोदी जी वहाँ पर चुनाव कंपेन कर रहे थे, वहाँ पर इलेक्शन है तो मोदी जी कंपेनिंग कर रहे थे, तो फिर अगले दिन को उनको जाना था, तो वहाँ पर रातों रात में सड़कें बन गई, रातों रात में हॉस्पिटल को बिल्कुल बदल दिया, वहाँ के बेड्स, वहाँ वाटर कूलर लगाया और वहाँ पर दीवारों पर वॉलपेपर लगाए, अच्छे से सजाए, यहाँ तक कि मोदी जी आकर भी चले गए, वाटर कूलर का ना ही कनेक्शन किया, ना ही उसके तार लगाए, ना ही उस प्लम्बर को बुलाकर वाटर का कनेक्शन कराया। तो काफ़ी फजीहत होने के बाद में ये सब हुआ, काफ़ी मजाक बनी। असल में जो हालात है हमारे अस्पतालों की, हमारे स्कूलों की, ये है, सच में ये है, जब कोई नेता मुआयना करने जाता है, वहाँ पर जाता है, तो उसको इस तरह का किया जाए, उस तरह से किया जाता है। तो ये एक सरासर पोल खुलती है, एक आदमी इमरजेंसी में पड़ा है और उस तरह से, किस तरह से फर्श पर उसको डालकर छोड़ दिया गया, कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए भी नहीं है वहाँ पर। तो हमारे सिस्टम के पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन योगी जी को जाना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, इंडिया और बांग्लादेश का कल मैच था, आपने सबने देखा ही होगा, और इंडिया जीत गई थी 5 रन से DLS मेथड से। तरह तरह की बातें हो रही हैं अभी, नूरुल हसन ने भी बयान दिया है कि फेक फील्डिंग हुई थी, विराट कोहली ने फेक फील्डिंग की थी, और कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर कह रहे हैं कि वो 11 नहीं खेलते, 13 खेलते हैं, 2 अंपायर भी उनके साथ होते हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं, यानी अंपायर्स भी बिक गए हैं IPL की वजह से, सारी बातें हो रही हैं। और बारिश में मैच नहीं होना था, मैदान भीगा हुआ था, वो स्लिप हो रहे थे, बहुत सारे की अनगढ़ंत बातें हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं। विराट कोहली ने नो बॉल ली, अंपायर को बता रहा, अंपायर से बहस करा, वो सारी बातें हो रही हैं तरह तरह की। विराट कोहली के बारे में भी बहुत गलत बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैच हम जीत गए और कोई चीटिंग से नहीं हुई, वो ICC है, कोई बिकाऊ पैनल नहीं है, ICC है भाई, उनके पास अपने बंदे हैं, अपनी स्टाफ बैठा हुआ है और वो निष्पक्ष करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एशिया कप जीत गए होते, हम एशिया कप सब तो हम पहले ही बाहर हो गए थे। तो ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करो यार। मैच हम भी जीतने आए हैं, आप लोगों की भी टीमें जीतने आई हैं, तो जो अच्छा खेलेगा क्रिकेट है, जो अच्छा खेलेगा वो रहेगा अंदर, जो बुरा खेलेगा वो बाहर आ जाएगा। तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो, क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने, तो क्यों पॉलिटिसाइज़ कर रहे हो उसको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।